दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। चलिए, आज पिछले कई दिनों से हम लोग काम कर रहे हैं अपने TWS रेल पे, तो थोड़ा सा तो लेट हो गया हूँ। काम शुरू हो चुकी है पहले ही, तो पूरा नहीं दिखा पाऊंगा स्टार्टिंग से ही खोलने से समय से, बट अगले TWS ब्लॉग में फिर अभी रिसेंटली 3-4 लगातार करने हैं, दिखा दूंगा। अभी थोड़ा लेट हो गए तो चलिए दिखाएंगे, कम से कम एसएनटी फिटिंग के टाइम तक पहुँच जाए हम लोग और पूरा का पूरा फंक्शन दिखाते हैं। TWS हम कैसे इंस्टॉल करेंगे, पहला पॉइंट है हमारा यूनिट का। तो चलिए, हमारी सारे वर्कर काम कर रहे हैं अपने जगह पे। रेलवे वालों के साथ जब ब्लॉक लेके काम करते हैं ना, एक सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी रहती है कि हमारी ट्रेनें, क्योंकि जब वो ब्लॉक देने वाले कंट्रोलर होते हैं वो बहुत प्लानिंग के साथ देते हैं कि उनकी कोई कोचिंग ट्रेन, कोई वाइटल ट्रेन डिस्टर्ब ना हो, जिससे पैसेंजर्स को या गुड्स को बहुत अधिक असुविधा महसूस नहीं करनी पड़े, तो वो गैप देखते हैं। उस गैप में कुछ नॉन वाइटल ट्रेनें हैं तो ठीक है, वो पार हो जाएंगी और ब्लॉक देते हैं। तो हम लोगों की जिम्मेदारी हो जाती है कि जब भी कोई काम एक्सक्यूट करें तो एक्सक्यूशन के दौरान उसको स्टिपुलेटेड टाइम में, एकदम नियमित समय में पूरा करके हम लोग दे दें, जिससे कि गाड़ी की डिस्टर्बेंस ना हो और हमारी ट्रेन मूवमेंट भी मार ना खाए, जिससे कि हमारा डिपार्टमेंट की भी बदनामी ना हो। तो इसी क्रम में आज हमें ब्लॉक मिला है इंजीनियरिंग की और एसएनटी की, तो चल रहे, कोशिश तो करेंगे कि जो टाइम मिला है उससे पहले पूरा करके दें, क्योंकि हमारी प्री वर्क अच्छे तरीके से कंप्लीट हुई है, किसी में कोई दिक्कत नहीं है, फंसना नहीं चाहिए। फिर भी चलिए देखते हैं क्या होता है, पूरी वीडियोज में बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए हैं हमारे ब्लॉग को तो कर लीजिए, और अगर सिग्नलिंग सीखना चाहते हैं तो वे भी क्लास लर्न रेलवे टेक्नोलॉजी बाय CM जासर, उसको भी कर लीजिए। और अगर पेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेंबरशिप में ज्वाइन कर लीजिएगा, सब आपके साथ है, लेकिन लाइक जरूर कर लीजिएगा। लाइक करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। जो वीडियो आप देख रहे हैं लाइक करिएगा, आपके मन में कुछ सवाल होते हैं तो कमेंट्स भी जरूर करिएगा। तो चलिए, पूरा TWS की इंस्टॉलेशन हम पहुँच गए हैं साइट पे, यहाँ देख पा रहे होंगे हमारा काम चल रहा है। चलिए हम लोग भी चलते हैं और देखते हैं वो पूरी भीड़ में पूरा का पूरा सेटिंग का वर्क, ठीक है। करवाइए DTI साहब, आप ही टेक्निकल काम करवाइए। नजर तो आना चाहिए, सही काम करिए। अब इतना एक साथ में 8-10 PW आई है, नजर तो आना चाहिए कि भाई आपका काम कैसा रहा, ये बताएंगे ना। तो फुल फेस है तो याद रखना है आपको कितना काम किए। अभी रुकनी में अगला रुकनी का प्रिपरेशन है इनका, पता है ना, इनको रुकनी का प्रिपरेशन करवा रहे हैं। बस देख रहे हैं, इनको मिलने आया सबसे, और क्या। हां, मिलिए, बढ़िया है, यूट्यूबर बन गए हैं सब। काम सीखते रहिए, नमस्ते नमस्ते, कुछ भी करते मत करिए। अभी अग्निवीर आया है, पूरी की पूरी टीम सिग्नल का, इंजीनियरिंग का, एक साथ आपको काम करना, एक साथ जब सारा काम करेंगे तब आपका पैरेलली ब्लॉक में कंप्लीट होगा। ऑलमोस्ट इंजीनियरिंग का स्विच रेल बैठ चुका है और इंजीनियरिंग की स्विच रेल पूरी बैठने के बाद अपना सिग्नल वाले लोग सिग्नल का रॉड लगा रहे हैं, और ये पूरा कनेक्शन जब हो जाएगा तब हम पॉइंट को आपको ऑपरेट करके दिखाएंगे। ऑपरेटिंग, सिग्नल, इंजीनियरिंग सब लोग एक साथ पॉइंट पे पहुंचे हुए हैं, सबके साथ कंबाइंड वर्क करते हुए बहुत ही सेफ्टी के साथ सारा काम करना पड़ता है, पूरा यार्ड का नज़ारा।
नहीं वो अंदर अरे बाहर का है, बाहर का है, लगाओ लगाओ बाहर का है, ठीक है। और पार्ट सब ले आओ ना, पार्ट सब उठा के लाओ, तभी तो सब पार्ट उठा के लाओ, सब पार्ट उठा के यहाँ पे मंगा लो ना। ए राजा, उसको उसको बांधने से पहले उसको स्टेचर बार उठवाओ, उसको ऐसे करके लगाओ उसको, हाँ फंसा दो साहब, बोल फंसा कर। अभी सब फंसाने से फायदा है, बोल्ट फंसा दे रहा है, बोल्ट फंसा के चढ़ा देगा। ठीक लगा, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर वाला, अंदर वाला स्टॉपर लगा लूं पहले। गुजो गुजो ऐसे नहीं जाएगा, भीतर से ठेलो, भीतर से दो, भीतर से दो, नीचे नीचे से, नीचे से उधर ले जाओ। उसमें पार होगा, पहले ले जाओ ना, नीचे घुसा देगा चढ़ा के, भीतर से वहाँ ले जाओ, खोल के घुसा लेगा, भीतर से ले जाओ वहाँ, इसमें होगा, भीतर से वहाँ ले जाओ। लगा हुआ है उधर ले जाओ, खोलना नहीं है, बाहर वाला खोल देना, ले जाओ सीधा। अब जो है ना राजन, इसको इधर से घुसा के तब फंसाना, ठीक है ना, उसको घुसाइए उठा के। उल्टा उल्टा है अशोक, ये वाला उधर जाएगा, ये वाला पोर्शन उधर जाएगा, घुमाओ घुमाओ इसको, घुमाओ, उल्टा हो गया। हाँ, इसको उसे बाहर निकालिए, आप पलट के घुसाइए, पलट के घुसाइए, हाँ वो मुंडी इधर आएगा, ये बस ठीक है, बगल रख दीजिए, उठा देगा। बहुत भारी पॉइंट है और इसमें ऑलमोस्ट 8 से 10 आदमी की जरूरत पड़ती। हाँ पत्थल पत्थल, या बड़ा पत्थल दो, छोटा नहीं बड़ा दो, वो 160 जाएगा, पूरा पूरा बढ़ाओ। हाँ रुका रुका रुका, इतना इतना जान मत दो, जान मत, नट फंसाने दो, सुमित नट फंसाओ पहले, हाँ फंसाओ, इधर इधर से फंसाओ, एक तो इधर से भी नट फंसाओ, यहाँ बड़ा एक 170 है, ठीक है, थोड़ा कम, थोड़ा कम करो, सबल तो कम करो ना थोड़ा, बस बस देखो, तुम मिलो, तुम मिलो, और कम करो, और कम करो, और कम, और थोड़ा थोड़ा दाबो, थोड़ा दाबो, हाँ बस इतना पे टाइट करो, चंदन इतने पर आने दो, करने दो, करने दो, है कि नहीं। वो जो ना ड्राइविंग बैठो के टाल लीजिए ना, वो नहीं बोल रहा है, पतला लगे, पतला बाकी विधा में चंदन रड लिया, ये रड घुसाइए, रड घुसाइए, हाँ बाकी सब रॉड लगवा ही लीजिए ना पहले, तब पॉइंट क्लेम क्लेम करिएगा, जो जो रॉड लग सकता है लगाइए, ये रॉड लो पहले, रॉड बांधो, बड़ा वाला इधर है, पहला वाला है ना, पहला वाला, पहला बड़ा, दूसरा छोटा, तीसरा छोटा, तीसरा बड़ा, चौथा, ठीक 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 लगा दीजिए। पॉइंट सेट हो गया, पॉइंट सेट होने के बाद रॉडिंग कनेक्शंस, जब भी पॉइंट को हम लोग देखेंगे तो ये जो फिश टेल है, ये फिश टेल ऊपर रहना है, ये सेटिंग है प्रॉपर सेटिंग के लिए, ये फिश टेल को यहाँ पे ऊपर रहना जरूरी है, जिधर टंगरेल क्लोज रहेगा, क्लोज स्विच के तरफ में आपको ये फिटिंग्स की, जहाँ पर भी टंगरेल क्लोज है, क्लोज स्विच जिसे इस पॉइंट में लेफ्ट साइड क्लोज, राइट साइड पॉइंट ओपन है, लेफ्ट क्लोज स्विच में फिश टेल को देखना है, फिश टेल की पोजीशन बाहर हो, ये प्रॉपर सेटिंग है, यहाँ पे सेटिंग करने के बाद वो ओपनिंग 160 आ जाएगी, और जिधर हमारा चलवाइए एक बार फटना आगे सो, ये देखिएगा, कुछ रखिएगा नहीं, कहाँ पकड़ा अशोक,
वहाँ देखिए लॉक में कहाँ पकड़ा, हल्का तो क्रैंक करके क्रैंक से करिएगा, हाथ से चलाएगा उसको 110 तो बीच से काट दीजिए, नहीं तो फिर गड़बड़ा देगा। 160 पहले कर, रुको रुको रहा दोनों साइड, फिर हाथ से हो जाएगा। आप चले ना, आप उसको खोल दीजिए 110 तो क्रैंक कर दीजिएगा, तब हाथ से नट को, हाथ था उससे नहीं घूमेगा सुमित, वाशर कट जाएगा, वाशर कट जाएगा, वाशर कट जाएगा। हाँ अब क्रैंक लूज करना पड़ेगा, एक साइड लूज करिए थोड़ा। हाँ ठीक है, हाथ से चलाने के लिए लूज करना पड़ेगा। ठीक है, TWS पॉइंट ऑलमोस्ट लग चुकी है। पॉइंट लगने के बाद हम लोग अब इसकी टेस्टिंग करेंगे, वोल्टेज दे के चला के टेस्ट पीस करके टेस्ट पीस कर लेंगे पॉइंट सारा। ये सारे रॉडिंग कनेक्शन हो गए, वायरिंग हो गए, स्विच रेल लग गया, टंग रेल लग गया, अब सिर्फ इसको वोल्टेज से देके टेस्ट करना है। अभी ट्रेन आ रही है, वो पायलट टीम होकर आउट होगी, उसके बाद देखेंगे।